हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशी ई एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? स्टॉकिंग फ्लावर। और आज हम सीखेंगे ऑर्गेंडी फ्लावर बनाना सीखेंगे, ठीक है? अभी हम देखेंगे कि ऑर्गेंडी फ्लावर में कौन कौन से मटेरियल लगते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऑर्गेंडी फ्लावर बनाने के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए वो है ये ऑर्गेंडी फैब्रिक, ये सिंपल थार, थ्रेड, और ये लीफ, और ये है ग्रीन टेप। ऑर्गेंडी फैब्रिक को हम ये एक छोटे शेप, स्क्वायर शेप में 4x4 का कट करना है, और एक ये थोड़ा बड़ा स्क्वायर शेप बनाना है 8x8 का। पहले हम है ना फोल्डिंग इस पे सीख लेंगे, फिर हम फैब्रिक पे करेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्या करना है, ये स्क्वायर का ये कॉर्नर से ये कॉर्नर इस तरह से हाफ इसमें मिडल में ऐसे फोल्ड कर लेना, हाफ करना है ऐसे, ये हाफ इस तरह किए, फिर ऐसे, और इसको फिर इसी तरह से पलट कर ये एनवलप की शेप में बना लेना है ऐसे। यही सेम तरीके से हम ये बड़े वाले को भी करेंगे, ये इस तरह से रखेंगे इसको, और ये वाला पार्ट कॉर्नर और ये कॉर्नर हाफ इसमें ऐसे रखकर बराबर ये दोनों पॉइंट को एकदम मिला के रखना है। मिडल में ऐसे कर लिए, ये किए, और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ये एनवलप शेप में बन गया। ये मेजरमेंट से हमने बनाना सीख लिया है। अभी ये जो छोटे वाला मेजरमेंट का ना, ऐसे हम लोग चार पीस करेंगे, चार पीस इस मेजरमेंट के कट करेंगे, और ये वाले मेजरमेंट के हम लोग पांच पीस कट कर लेंगे, ठीक है? और जैसे ये फोल्ड मैंने आपको बताया है ना, उसी तरीके से ये छोटे वाले पार्ट पीस का एक पीस सिर्फ साइड में करना है, और बाकी सारे पीस का सेम इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है ऐसे ही, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर का मिडल में मिलाना है, और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ऐसे ही एनवलप शेप में, ये सारों को बना लें। ये छोटे पीस का हमने ये तीन बना लिए, और ये बड़े पीस का हमने पांच बना लिए, और ये हमने एक साइड में रखा था। तो अब इसको करना क्या है, ये सिल्वर वायर लेना है, और ये ऊपर से थोड़ा हाफ इंच है ना फोल्ड कर देना, और ये जो पीस हमने अलग रखा था ना, इसको ट्रायंगल शेप में बनाना है ऐसे, और ये ही पार्ट को ऐसे रख के इसके अंदर की तरफ रख के इसको पूरा ऐसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है ऊपर इसके, और थ्रेड से इसको एकदम टाइट बांध लेना है ये ऐसे ऐसे बांध लेना, और थ्रेड को तोड़ना नहीं है, साइड में ही रखना है। और अभी करना ये जो हमने ये सारे फोल्ड किए है ना, उसको इसका ये छोटा वाला पार्ट पीस लेना है, और इसके जो ट्राइंगल शेप में ये पॉइंट है ना, इस पे अपना थंब रखना है ये मिडल में, और ये जो दोनों कॉर्नर है ना, इसको हम लोग है ना रोज का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आप, मेरे पास सीजर है, आप स्केल या कुछ भी होगा तो उससे ये नीचे की तरफ ये रखना है, और ऊपर अपना ये थंब रखकर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच कर देना है, ताकि ये ऐसे शेप हो जाए। इसी तरीके से हम बाकी सारे कट पीस पे भी कर लेंगे। ये ऐसे यहाँ पे हमने कॉर्नर में सारे इसको शेप दे दिए। अभी करना क्या है, ये कट पीस लेना है, और ये जो कॉर्नर का पॉइंट है ना, हमने शेप इस तरफ दिया है अपोजिट तरफ में, तो इसको ये नीचे की तरफ है ना कॉर्नर में हल्का से ऐसे फोल्ड कर देना है ऐसे, थंब अंदर की तरफ रख के इसको ऐसे फोल्ड कर देना, ये पेटल बन जाएंगे। ऐसे ही सारे इसको करना है, अपोजिट इसमें थंब रखना है, और नीचे के इसमें फोल्ड कर देना है इस तरीके से, ऐसे सारे इसको फोल्ड कर देना है नीचे पॉइंट पे। अभी हम लोग इसको असेंबल करेंगे। ये हमने बांधा था, थ्रेड तोड़ा नहीं है। पहले छोटे वाले लेंगे ये, और इसको
जहाँ पे ये थ्रेड बंधा हुआ है ना वहीं पे ये पॉइंट रखेंगे और ये जो हमने फोल्ड किया है उसी पे ही इसको अच्छे से बांधेंगे ऐसे। ये लपेटे, फिर ये एक गांठ लगा दिए ऐसे, ये हुआ। फिर सेकंड वाला भी लेना है और इसके हाफ इसमें रखना है ऐसे, ये रखे। जहां पे ये हमने थ्रेड बांधा है ना वहीं पे ही ये वाला जो हमने फोल्ड किया है ये पार्ट वहीं पे ही रखेंगे हाफ इसमें और इसको बांध देंगे ऐसे। ये हुआ। फिर जो थर्ड वाला है इसको इसके बाजू में रखना है हाफ इसमें और इसको सेम उसी तरीके से बांध देना। ये तीन बांधिए, बाकी ये पांचों जो है उसको भी इसी तरीके से अराउंड में सब असेंबल करना है। इसके पीछे एक रखे हमने और वही बांधना है जहां पर हमने ये बांधा हुआ है ना सारे, उसी तरीके से उसी के ऊपर रख के थ्रेड को बांधना है। ये बड़ा वाला लेकर ये रखे और ये फर्स्ट हुआ, सेकंड इसके हाफ इसमें यहीं पे ही रखना है इसको और इसी तरीके से पांचों को बांध देना। ये चार मैंने बांधे, ये लास्ट वन सारे को हाफ हाफ में बांध कर एडजस्ट कर लेना है। ये पांचों बांध के हो गया है, इसको फ्लावर शेप में पूरा एडजस्ट कर लेना है। फिर इसको थ्रेड को कट करके निकाल देना है। फिर ये ग्रीन टेप लेना है और इसके ऊपर से इसको पूरे तार को कवर कर देना है। ग्रीन टेप एक तरफ है ना स्टिकी होता है, तो स्टिकी वाला पार्ट है ना जहाँ ये हमने थ्रेड बांधा है ना वहीं से स्टार्ट करने का, ताकि फिर ये पूरा जो अंदर का थ्रेड है ना वो पूरा कवर हो जाए। तो इसको ऐसे रखकर इस तरीके से क्रॉस क्रॉस में फोल्ड कर रहा है, ऐसे क्रॉस में फोल्ड करके इसको पूरा पूरे तार को कवर कर देंगे ऐसे घुमाकर। ये कवर हो गया। फिर ये जो लीफ है इसको हम इसके ये तार पे इसके तार से ये दोनों जॉइंट्स को ऐसे लपेट के जॉइंट कर देंगे। ये रोज रेडी हो गया है ना। कितना इजी रोज बनाना, आप भी बनाकर अपनी टीचर्स या फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और एक्टिविटी के साथ मिलेंगे। बाय, थैंक यू।